ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। छनछन की जो बात आती है, कहा जाता है राजस्थान में सत्ता और संगठन के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, ये बिल्कुल गलत बात है। ये इस बारे में ये आपके मीडिया के माध्यम से ये हमेशा प्रयत्न किया जाता है इस प्रकार की कोई दरार महसूस कराने की, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि बहुत ही समन्वय के साथ में, बहुत समझदारी के साथ में, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर पीसीसी और सरकार के बीच में पूर्ण समन्वय है, आपसी साझेदारी और समझदारी से निर्णय लिए जा रहे हैं, और जिसका ये करते करते हमारे जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो चुनाव से पहले भी यही बात को किया करते थे। हर एक का मत कुछ बातों पर अलग हो सकता है, लेकिन वो होना हमेशा डेमोक्रेसी के लिए और अच्छे प्रशासन के लिए आवश्यक है। राजनीतिक नियुक्तियों का क्या स्वरूप होगा? बहुत जल्दी इसके बारे में भी चर्चा की गई और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने इसके लिए भी आगे की रूपरेखा बनाई है, जो वो आगे में उन लोगों को काम पर लगेंगे। तो ये जो बिना शर्त जो अपने मन को बदल कर कांग्रेस से जुड़े हैं 6 बीएसपी वाले, इनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार में जिम्मेदारी। आप नए नए आइडिया मत दो उन लोगों को, वो खुद कह चुके हैं कि जो लोग स्वेच्छा से कांग्रेस की सरकार के काम को देखकर स्वेच्छा से शामिल हो रहे हैं, ये तो एक राजस्थान के अंदर, देश के अंदर नैतिकता का एक उच्चतम उदाहरण है कि बिना लोभ लालच के, बिना पद के, बिना मंत्री पद के लालच के स्वेच्छा से अपने क्षेत्र के विकास को देखते हुए वो सरकार की जो बाहर से समर्थन कर रहे थे अब अंदर समर्थन कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि सरकार और मजबूत होगी और स्थिर होगी, और उन्होंने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं देखा, उन्होंने क्षेत्र की जनता को देखा, सरकार की मजबूती को देखा, इससे स्वेच्छा से अपने आप को शामिल किया है। और सीपी जोशी साहब ने, मुझे मालूम पड़ा कि उनके विलय को स्वीकृति दी है और सभी 6 के 6 सदस्य अब कांग्रेस के मेंबर बन गए हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन ये त्याग की राजनीति और ये क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता देने की जो राजनीति है, ये बहुत बड़ा एक नैतिकता का उदाहरण है, इसको हम सबको प्रशंसा करनी चाहिए। सचिन पायलट नाराज नहीं है जैसी बात आ रही है कि सचिन पायलट नाराज, जानकारी नहीं भाई। अविनाश पांडे जी, मेरे मन में क्या चल रहा है इसका आप लोग गैस वर्क मत करो, हम लोग अपने काम में मिशन मोड में लगे हुए हैं। प्रदेश के लोगों ने, 7 करोड़ लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं के खून पसीने की मेहनत है, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने नेतृत्व किया, सरकार बनी है, अब हमारे अगले कदम उठाने हैं। 9 महीने में हम लोगों ने जो काम किया है जनता उसको पसंद कर रही है। निकाय के चुनाव हैं 52 जगह पर, नवंबर में होंगे, उस पर अभी अच्छी चर्चा हुई है, सबने सुझाव दिए हैं, और हमने कहा जो हमारे प्रभारी मंत्री जिलों के हैं उनके साथ साथ जो संगठन पीसीसी के ऑफिस बेयरर्स हैं वो सब दोनों साथ जाकर जिले में पूरा मामले को संभालेंगे, प्रचार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, जो जिन व्यक्तियों को चुनाव में उतारना है उसकी समीक्षा करेंगे, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी और प्रदेश की सरकार के जो नुमाइंदे हैं हम सब मिलकर एक अच्छा चुनाव लड़कर जनता का विश्वास हासिल करेंगे। इस पर हमने विस्तार से चर्चा करी है, हमने इस बात पर भी निर्णय लिया आज, मुख्यमंत्री जी, अविनाश पांडे साहब ने, मैंने, बंसल जी, तरुण कुमार हमारे सचिव हैं, कि हम सब 2 से लेकर 9 तक जो कार्यक्रम होंगे, 150 साल महात्मा गांधी जी के हुए हैं, जन्म शताब्दी का अवसर है, इस हफ्ते भर में श्रमदान भी होगा, ब्लॉक जिले पर कार्यक्रम भी होंगे, जो नई पीढ़ी है, जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जिनके लिए शायद आज महात्मा गांधी इतने प्रासंगिक नहीं हैं, उसको एक सरल भाषा में उनके योगदान को, उनके काम को, उनकी कार्यशैली को जनता तक ले जाएं, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने जो कांग्रेस और देश और समाज के लिए किया उसको विस्तार से लोगों को बताएं। अनेकों कार्यक्रम हम करेंगे, सरकार के कार्यक्रम होंगे, संगठन के कार्यक्रम होंगे, इस पर हमें चर्चा करिए, रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं। जैसा अविनाश जी ने कहा, 2 तारीख को एक ऐतिहासिक पदयात्रा जयपुर शहर में हम लोग करेंगे ताकि महात्मा गांधी जी के जीवन को जन जन तक हम पहुँचा सकें। मेंबरशिप को लेकर हमने आज AICC का निर्णय उसको यहाँ पर लागू किया है कि मेंबरशिप हम परंपरागत तरीके से करते हैं वो भी करेंगे, लेकिन ऑनलाइन मेंबरशिप भी करेंगे। मिस्ड कॉल देकर मेंबर बनाने का जो आंकड़ा बटोरने का काम है हम नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को जोड़ेंगे, दलित, महिला, SC ST, नौजवान, वंचित वर्ग, उनको कांग्रेस के परिवार से जोड़ने का काम हमारी पार्टी करेगी प्रदेश के अंदर। और इसके अलावा जैसा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी कहा है हम सबको कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में हम एक रोस्टर तैयार करेंगे ताकि अलग अलग विभाग के मंत्री यहाँ पर बैठें, जन सुनवाई करें, कार्यकर्ता और आमजन के साथ अपने घरों पे, अपने क्षेत्रों में लोग मिलते ही हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में यहाँ पर अनेक अलग अलग मंत्री बैठेंगे, लोगों की बातों को सुनेंगे, समस्याओं का निराकरण करना,
कार्यकर्ताओं जनता की मांगों को जल्द पूरा करना और हमारे मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं उसकी चर्चा अविनाश जी, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, हम सब ने की दिल्ली में कि मैनिफेस्टो को कैसे हम जल्दी लागू करें, अपने वादों को उस पर हम वॉर फुटिंग पे काम करेंगे ताकि लोगों की जो अरमान हैं, जो उम्मीदें हैं, उसको हम पूरा कर सकें। आप संगठन को तवज्जो की बात करते हैं, लेकिन अभी जो राजनीतिक नीतियाँ हो या तो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं या उनके परिवारजन कैसे संगठन को, अभी जैसा आपको महासचिव महोदय ने बताया एक मैकेनिज्म हम तैयार करेंगे और मैं बार बार कहता आया हूँ कि कांग्रेस के जो कर्मठ और जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको मान सम्मान, उनको सुरक्षित रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। उनको उनके काम और योगदान के आधार पर सब लोगों को पद नहीं मिल सकते हैं, लेकिन उन लोगों को पद मिलेंगे जिन लोगों ने कांग्रेस के लिए खून पसीना बहा है, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाई है। इन चुनौतीपूर्ण समय में 5 साल का जो समय रहा जहाँ पर हर तरह संघर्ष हम लोगों ने किया, उन संघर्ष के साथियों को हम नहीं भूल सकते हैं। उनकी वजह से आज इस लायक बने कि हम जनता की सेवा कर सकें, तो उनको हम प्राथमिकता देंगे। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।